एक आदतन बदमाश एक परिवार को डरा धमका रहा है, उनके साथ मारपीट भी की गई। डरे सहमे परिजन ने अब कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी परेशानी बताई है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में निवासी एक परिवार उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचा और शिकायत की कि हमें परेशान किया जा रहा है और डराया धमका जा रहा है। पूर्व में हमारे परिवार पर आदतन बदमाश द्वारा जानलेवा हमला भी किया जा रहा है, इससे मेरे परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमें लिखित में शिकायत नीलगंगा थाना क्षेत्र में की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। से पूरा मामला है और क्या हुआ था सर? एक महीने पहले हम लोगों के एफआईआर हुई थी, फारूक नकलची से मारा गया था हमारे मामा जी को। एक महीना हो गया, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो हमको जिसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है सर, वैसे कठोर कार्रवाई नहीं हो रही हो। वो पहले से अपराधी, उनने चोरी करी, उनने डकैती करी, उसने गाय काटी, उसने क्या क्या नहीं करा सर। उसके 11 प्रकरण दर्ज है और ये 12वां केस हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा सर। अभी आपकी सुनवाई नहीं हुई? अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई सर, इसलिए हम यहाँ पर आए कलेक्टर ऑफिस पे जन सुनवाई में सर। सोमवार से मेरे पति को ऐसा मारा है कि 15-20 दिन तो अस्पताल में भर्ती भी है। अब ना मेरे पास इलाज के पैसे हैं ना कुछ। अब बताओ मैं कैसे क्या करूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही और उल्टी धमकियाँ भर रही है वो हमारे। कलेक्टर साहब से आवेदन है सर के, हाथ जोड़ के निवेदन है सर के, हमें इंसाफ दिलवाओ। अब मैं इलाज करूँ मेरे पति का तो घर में घूम क्या करूँ बता। अभी तो सुनवाई नहीं हुई आपकी, कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? हमें एक महीना हो गया ऐसा, एक महीना दस दिन होगा, एक महीना दस दिन, एक महीना से काम बंद पड़ा है पूरा, उनका एक साइड पूरा उनका खराब हो गया सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।